देश के 91 जिलों को एफएम रेडियो रिले सेंटर से जोड़ा जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 28 अप्रैल को करेंगे। इसमें बिहार के 9 जिले भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है रेडियो एफएम की नई क्रांति से देश के सुदूर इलाके के लोगों तक आसानी से देश दुनिया की जानकारी के साथ साथ आसानी से मनोरंजन नए रूप में पहुंचाया जाए। इसी के तहत कटिहार रिले केंद्र पर तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। संचार क्रांति के इस दौर में अगर बात रेडियो की करें तो रेडियो उस दौर में भी था, इस दौर में भी है और आने वाले दौर में भी रहेंगे। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री देश को एक नायाब तोहफा देने की तैयारी में है। पूरे देश में 91 रिले सेंटर बन रहा है, कटिहार भी उसमें एक है। कटिहार की तैयारी आपको जरा दिखाते हैं। ये एफएम रिले सेंटर की तैयारी है, इनसे जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। आइए, क्या तैयारी है कटिहार में बात कर लेते हैं। सर, क्या तैयारी है कटिहार में रिले सेंटर को लेकर? जैसा कि हम लोगों को आदेश आया है और एक सर्कुलर है जो 28 अप्रैल को शुक्रवार दिन के 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में 91 एफएम स्टेशन रिले सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसमें ये कटिहार भी शामिल है, और जो कि 100 वाट का रिले सेंटर होगा, विविध भारती यहाँ से रिले किया जाएगा, और इससे 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में लोग आसानी से विविध भारती का लुत्फ ले सकेंगे। देखिए, रेडियो बिल्कुल आधुनिक हुआ है, चूँकि इंटरनेट का दौर है तो हम लोग भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। ऐप के माध्यम से लोग दुनिया में कहीं भी बैठकर ऑल इंडिया रेडियो का मजा ले सकते हैं, इवन किसी केंद्र का मजा ले सकते हैं। अगर कोई पूर्णिया का निवासी है या कटिहार का निवासी है, अमेरिका में रहता है, तो वो अपने केंद्र को माध्यम से। दूसरी बात, जो हमारा पुराना फॉर्मेट था रेडियो सेट पे सुनने की बात थी, वह तो आज भी है ही। आप देख रहे हैं कि रेडियो सेट यहाँ भी उपलब्ध है, रेडियो सेट पे सुन सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जहाँ गैप था, जहाँ रेडियो की पहुँच नहीं थी या नहीं था, वहाँ के लिए 91 नए रिले स्टेशन दिया गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं करेंगे प्रधानमंत्री जी। तो इससे जो दूरी थी वह भी समाप्त होगी। कटिहार का क्या है, कितना पॉइंट पे? अभी 100.1 पे है, 1 मेगाहर्ट्ज़ पे। जी, शिवाजी झा, प्रसारण अधिकारी, आकाशवाणी पूर्णिया। तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए एक नायाब तोहफा है। कटिहार भी भाग्यशाली है कि इस तोहफे में के जो गुलदस्ता है, इसमें कटिहार को भी शामिल किया गया है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार।